राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने आह्वान किया कि हमारी पूजा पद्धति, भाषा, जीवन शैली अलग अलग होने के बावजूद सभी को राष्ट्र रक्षा के लिए एकजुट होकर सर्वस्व नौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भागवत ने भरतपुर के खानवा में राणासांगा स्मारक पर राणासांगा स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी हमलावर बाबर का देशभक्त हसन खां मेवाती सहित संपूर्ण देश के वीर योद्धाओं ने राणासांगा के नेतृत्व में एकजुट होकर युद्ध किया, वह भारत का परिचय है। भागवत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में पहली बार विदेशी हमलावर बाबर ने मैं भी मुसलमान और तुम भी मुसलमान कहकर वीर योद्धा देशभक्त हसन खां मेवाती को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, परंतु हसन खां मेवाती भारत की मिट्टी और देशभक्ति का परिचय देते हुए देश पर कुर्बान हो गए। भागवत ने राणासांगा स्मारक का अवलोकन करने के बाद इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इसका महत्व और ऊंचाई बाबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजे से कई गुना अधिक हमारे जीवन में महत्व रखती है। मैं तो पहले आपको अत्यंत विनम्रता के साथ झुककर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप इस तीर्थ भूमि में, वीर भूमि में रहते हैं। यहां भारतवर्ष के इतिहास को एक नया मोड़ मिला और उस मोड़ पर भी उस समय के भारत पुत्रों ने अपना परिचय दिया। जैसा हर मोड़ पर दिया है वैसा ही दिया। यहां एक लड़ाई हुई, वो लड़ाई भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। खानवा एक छोटा सा ग्राम उस लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन आश्चर्य है भाई, लड़ाई हुई इसलिए प्रसिद्ध हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। उस लड़ाई ने दिखा दिया कि सारा भारत एक है। लड़ाई का परिणाम क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई में जो भारत का पक्ष लेकर खड़े हुए, उन्होंने भारत का स्वभाव क्या है वो बता दिया। हमारा भारत देश है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, जैसे आप इस छोटे से गांव में रहते हो वैसे भारतवर्ष में 7.5 लाख गांवों में हमारे भाई बहन सब रहते हैं। अलग अलग भाषा उनकी, खान पान, रीति रिवाज सब अलग, देवी देवता भी अलग अलग है, लेकिन सब अलग होने के बाद भी हम सब कौन है? हम सब भारत माता के पुत्र हैं। कोई भी मेरी भाषा हो, कोई भी रहने का प्रांत हो, प्रदेश हो, खान पान, रीति रिवाज कुछ भी हो, रहन सहन का रीति रिवाज कुछ भी हो, देवी देवता पूजा माधव वर्षिप कुछ भी हो, मैं भारत माता का पुत्र हूं और भारत माता की रक्षा के लिए प्राणों तक न्यौछावर करना, ये मेरा पहला धर्म है। बाकी सारी बातें बाद में। पूछा गया भारत की ओर से इस पीछे वाली पहाड़ी पर जो लोग खड़े थे भारत की रक्षा करने के लिए, उनको इस विदेशी सेना के द्वारा पूछा गया, अरे तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, तुम आ जाओ इधर। पहली बार पूछा गया, इसके पहले ऐसा हुआ नहीं। हमारे भारत के इतिहास में शायद ये पहला प्रसंग है जब कहा गया तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। इसके पहले यह कहा गया था कि तुम भी अरब हो और मैं भी अरब हूं, इधर चले आओ, और लोग गए भी। लेकिन इस बार जो इस्लाम को मानने वाले पहाड़ी पर थे और इस्लाम को मानने वाले नीचे थे, उनमें एक फर्क था। वो तुर्कस्तान के उधर से आए थे नीचे वाले, और ऊपर खड़े थे वो भारत के मिट्टी के पुत्र थे। तो उन्होंने उत्तर दिया जो भारत के प्रत्येक पुत्र का उत्तर होना चाहिए कि मजहब अपनी जगह पर है, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं।
लेकिन वो इस्लाम के ईमान की सीख ही मुझे सिखाती है कि भारत माता के कण कण की रक्षा के लिए रक्षा करने वालों के, लड़ने वालों के साथ मैं खड़ा रहूंगा, उस माता की तौहीन करने वाले का विरोध करूं। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खानवा के युद्ध में विदेशी हमलावर बाबर ने पहली बार बारूद, तोप और बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि हमारे शासक केवल तलवारों, भालों और तीर कमानों से ही सुसज्जित थे। राणासंगा स्मारक केवल 1 किलोमीटर की परिधि में निर्मित किया गया है और इसमें भारत के उन सभी शूरवीरों की मूर्तियां लगाई गई हैं जिन्होंने राणासंगा के नेतृत्व में बाबर की सेना का मुकाबला किया। लखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राणासंगा स्मारक के विकास के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मैं भी मुसलमान हूँ तो मेरे साथ में आ। हसन खान मेवाती ने कहा कि माना तुम मुसलमान है परंतु मैं देशभक्त हूँ, तुम हिंदुस्तान पर हमला करने आए हो, हम तुमको मौत के घाट उतारेंगे। और हसन खान मेवाती ने यहाँ पर राणा सांगा का साथ देकर बाबर का मुकाबला करके युद्ध स्थली पर यहाँ पर शहीद हुआ। हमने यहाँ हसन खान मेवाती की मूर्ति भी यहाँ पर लगाई है। जब महाराणा सांगा के तीर लगा तो वो मूर्छित हो गए। उनको यहाँ से जब उठाकर युद्ध के मैदान से जब ले जाने लगे तो अज्जा छाला ने वो अपना जो राण महाराणा का जो वेश था वो सारा धारण किया और युद्ध को लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब राणा सांगा को यहाँ से ले जा करके बसवा ले गए तब उन्होंने जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा मुझे क्यों लेकर के आए, मुझे युद्ध की भूमि के अंदर मुझे वीर गति को प्राप्त होता तो ठीक था। उनका हाथ युद्ध में चला गया, उनका पांव क्षतिग्रस्त हो गया, उनकी आंख नहीं थी, शरीर पर 80 घाव लगे थे विभिन्न देश की रक्षा करते हुए युद्धों के अंदर, और उन्होंने लोगों से मिलने से मना कर दिया। मैं मित्रों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि तब एक जामन सौदा नाम का कवि बड़ी मुश्किल से उनसे मिला, जो उसने कहा मैं उसको एक लाइन आपने बताना चाहता हूं। जामन सौदा ने कहा कि राणा सांगा तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान कृष्ण ने तो अनेक बार रणछोड़ दास बनकर के युद्ध के मैदान से पीछे हटे थे पर फिर दुर्योधन और कौरवों की क्या गति की सारा हिंदुस्तान का इतिहास जानता है। उस कवि ने कहा कि सीता का अपहरण करके रावण लेके गया था परंतु फिर बानर सेना, लव और कुश और राम ने और हनुमान ने और सारी सेना ने मिलकर लंका की और रावण की क्या दुर्गति की सारी दुनिया जानती है। इसलिए मान करके चलो राणा सांगा एक दिन बाबर और बाबर के सारे वंशजों को हिंदुस्तान के लोग यहां से भगाएंगे और फिर हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने में लगेंगे। और नागरिक भाइयों जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं उस समय हिंदुस्तान में ना बाबर है, ना बाबर का वंशज है, ना बाबर का साथ देने वाले लोग हैं, आज आप हैं और हम हैं और परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, यह एक विषय है। मुख्यमंत्री राजे ने राज्य के सभी क्षेत्रों में शूरवीरों, संतों और महापुरुषों के स्मारक निर्मित करने के लिए भी निर्देश दिए। समारोह में राजस्थान की कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर ने राज्य सरकार की ओर से भागवत का स्वागत किया। आज हमारे और आपके बीच में राणासांगा का स्मारक जो बना ये हमें और आप सभी को इस भारत माता की सेवा का, समाज राष्ट्र रक्षा का ये संकेत जब भी देखेंगे तो बार बार अपने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। लेकिन विचार करने की बात है कि यह बलिदान होना यह सीख कहां से लिया कि भारत माता के लिए बलिदान होना ये हमारी ही पद्धति में है कहीं और भी है। लेकिन बंधुओं गहराई से विचार करते हैं देखा जाता है तो हमारे देश में गीता ग्रंथ है, वेदों का ज्ञान है, इसमें यह बताया जाता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, वो आत्मा अजरमर है, बदलाव केवल शरीर का होता है। लेकिन जब ये बोध ये ज्ञान इस देश के समाज के लोगों को, जब बच्चों को ये ख्याल होता है कि आत्मा कभी नहीं मरता तो बंधुओं उस फतेह सिंह जोरावर को अपन देखते हैं, जब पन्ना ढाई की ओर ध्यान करते हैं, जब महाराणा सांगा की ओर ध्यान करते हैं, किन किन बातों के बारे में ध्यान किया जाता है, जिन लोगों ने निश्चय कर लिया कि आत्मा कभी मरता नहीं है वो ही लोग इस भारत की सेवा के लिए और भारत माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करते हैं।